Sorry, kittens, only on Bonkfees. अस्सलाम वालेकुम पाक विलेज, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं रैली ड्राइवर गैरेज टूर के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम कराची में मौजूद हैं, मेरे साथ शहराज कुरैशी साहब हैं। रैली सर्किट में जितने लोग भी पाकिस्तान में रैली करते हैं वो इनको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। आप इनको पहले भी हमारी वीडियोज़ में देख चुके हैं, बट आज का एपिसोड जो है वो जिस तरह हम इस फॉर्मेट पर चलते हैं कि रैली ड्राइवर की जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं ये वो अपनी रैली यूज़ में कौन कौन सी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। सो हम जो है स्टार्ट करते हैं, तो रैली का आपको शौक है ही है, बट अभी तक मैं देख रहा हूँ आपकी कलेक्शन में ज़्यादा जो है अनलाइक अदर रैली ड्राइवर्स जो है उनके पास बहुत ज़्यादा 4x4 की कलेक्शन है। या ये कराची की वजह से कोई खास है कि पंजाब में लोग ज़्यादा जीपे रखते हैं कि आपने, मैंने देखा है यहाँ पे क्लासिक गाड़ियाँ भी हैं, स्पोर्ट्स कार भी हैं और बहुत कम 4x4 नज़र आ रही हैं एज अपोज टू अदर। रैली का शौक तो आपको ही बड़ा है, आपको पता है कि एक गाड़ी पे रुकती नहीं है कहानी, सही है, एक से दो, दो से तीन करनी पड़ती हैं। वो एज वी डिस्कस्ड एंड मेंशन, वो सारी गाड़ियाँ वर्कशॉप पे हैं, तैयार हो रही हैं आने वाले सीजन के लिए। सही है। और बट एक आध इंशाल्लाह पहुंच जाएगी तैयार होकर। ठीक है, अच्छा। तो अगर हम यहाँ ये जो है ऑब्वियसली उस ये गाड़ियों का शौक जो है वो सब चीज़ों के साथ साथ है। ठीक है, उसमें रैली होना अपनी जगह है, अपनी ये जो जो दूसरी टाइप की गाड़ियाँ हैं उनका अलग शौक है। ठीक है, अच्छा। अगर हम यहाँ से राइट से शुरू करें, मैं देख रहा हूँ कि अगर एक वन ऑफ द क्लासिक SL जो है जिसको पगोडा भी बोलते हैं ये वो है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर ओनली 2 इन पाकिस्तान टू माई नॉलेज, ये उनमें से एक है। या ऐसे ही ये मॉडल क्या है हमारे यूएस के लिए अगर आप बताना चाहें? ये है 1965 का मॉडल है। ठीक है, ये अभी मैंने थोड़े अरसे पहले ली थी, ये तीन साल चार साल पहले लेके इसको रिस्टोर करके होते होते इसको 3 साल लगे रिस्टोर करने में। ठीक है, अब ये अपनी ड्राइवेबल कंडीशन में आ गई। अभी आप इसको यानी किसी भी टाइम कहीं भी चला सकते हैं कि शहर से, अभी हम देखते रहते हैं कराची में आप लोग अक्सर ड्राइव भी करते हैं तो उसको लेके जाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको भी कभी कभी लेके जाते हैं जब ये सही होती है, इसको लेके जाते हैं, जब ये दोबारा खांस जाती है तो खड़ी कर देते हैं साइड। हाँ, ये पुरानी गाड़ियों का तो ये कि आपको थोड़ा पेशेंस लेवल अपना बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, ये साथ जो दूसरी SL खड़ी है 107 है, ये है SL 450, 107 कहलाती है। ठीक है, ये भी कन्वर्टेबल होती है और इस पे हार्ड टॉप इसका भी आता है, इसी तरीके से इस मॉडल का भी आता है। ठीक है, और ये मॉडल ईयर क्या है? ये है 1978। इससे पहले मेरा ख्याल है 190 आती थी, फिर ये पगोडा आई, ये 65 का मॉडल है। 190 जो अभी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं रफीक हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली इम्पोर्ट किया, लियाकत भाई, सही है। दैट कार इज आई थिंक 63 का मॉडल, सही है। फिर उसके बाद ये है, फिर ये शेप आया था, फिर उसके बाद ये शेप, फिर 129 आया था, फिर 12 उसके बाद 129 उसके बाद आया था 90। अच्छा, ये एक तो क्लासिक से आप हम आगे आते हैं तो फॉरन एक जर्मन ब्यूटी खड़ी आगे, विच वन इज दिस, ये पोर्श की कौन सी गाड़ी है? ये वो है जो ख्वाब हुआ करता था किसी जमाने में, फिर हकीकत बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये 2012 मॉडल की, 2012 की 911 S है। S है, हाँ, and I believe ये बहुत तेज गाड़ी थी, under 4 second है। Last of the naturally aspirated engine, फिर उसके बाद अगली सीरीज में इन्होंने 2016 onwards इसके इंजन जो है वो सब टर्बो अलग कर दिए हैं, साइज छोटे कर दिए हैं दुनिया में, वो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो चीज लोग बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, तो दे हैव कम अप विद टर्बो इंजन नाउ। इसका इंजन जो है वो क्या साइज है? दिस इज 3.8, 3.8 इसका जेन्युइन इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड है। ठीक है, 3.8 है, और मेरा ख्याल है इसका जो 0-100 टाइम है वो भी अंडर 4 सेकंड है। इट्स 4 सेकंड्स। अच्छा, और ये गाड़ी आपके पास कब से? मैंने ली थी, मेरा ख्याल है तीसरा साल है, तीसरा साल। हाँ। और इसका जो इंटीरियर का कलर और बाहर का कॉम्बिनेशन है बहुत खूबसूरत है, रेड एंड ऑल। जो कंप्लीट इसके जो स्पेक्स हैं वो हाईली स्पेक कार है, आई रियली लव दिस, प्रोबब्ली माय वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कार दैट आई हैव। सही सही। और अच्छा, अगर आगे आ जाए तो मेरा ख्याल है ये आपकी वो गाड़ी जो रंग बदलती है, सो इसके 2-3 रंग मैं देख चुका बदलते हुए। सो एक तो ये बता दी गई कौन सा मॉडल है, क्या वेरिएंट है? दिस इज जैगुआर XK 2007 4.2, ये भी V8 है। ठीक है, और एक जैसे मैंने तस्करा किया था, एक हमारे दोस्त हैं इसका रैप का काम करते हैं, टेक रैप के नाम से। ठीक है, एंड ही हैज, अब उससे मैंने गुर सीख लिया, अभी कीप चेंजिंग जैसे ऐसे शौक पहले ये डार्क ब्लू, उसमें असल में ग्रे थी, एक्चुअली ग्रे कलर की गाड़ी है, फिर इसको मैंने नेवी ब्लू कराया था, उसमें थोड़े दिन तक उसके मजे लिए, उसके बाद दिस कलर रियली आई रियली लाइक्ड इट, तो इसको चेंज कराया अभी रिसेंटली। ठीक है, अच्छा, उससे अगर हम पीछे आ जाए तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत बेंटले नजर आ रही है, इसका क्या मॉडल है और इसकी क्या स्पेक्स हैं? इट्स कॉन्टिनेंटल GT। दिस कॉन्टिनेंटल GT 2006 का मॉडल है ये, सही है। ये 6 लीटर W12 जो कहलाती है। ठीक है, बाय टर्बो इंजन होता है। W12 मेरा ख्याल है रोल्स रॉयस और ऑडी दो ही गाड़ियां जो आती है W में, बिल्कुल W फॉर्मेशन, बाकी सारे V's में, बाकी सारे V होते हैं। ठीक है, सो इट्स अ W12 By turbo, 6 liter engine. It's huge car. मतलब engine size बहुत ज़्यादा है। बहुत मज़ेदार गाड़ी है। ठीक है। और ये आपके पास कितने अरसे से? ये अभी मैंने रीस बल्कि lockdown
के जमाने में ही ली ली लॉकडाउन में तस्वीरें आपकी ड्राइव्स की आती थी मैं उस पर देखता था तभी आई है वेरी रीसेंट एक्विजिशन अच्छा वेरी रिकॉर्ड ठीक है अच्छा इसे पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है और हम वो भी दिखाते हैं उस पर चलते हैं CL 600 V12 मेरा ख्याल है हमारे पास V12 में इस वक्त मेरे पास यही एक गाड़ी है मेरे ख्याल है मर्सिडीज की अगर बहुत लिमिटेड गाड़ियों में देखा जाए और खासतौर पर पाकिस्तान में मेरा ख्याल है दो तीन ही है अभी ये V12 मेरा ख्याल है एक गजनफर के पास है एक मेरे पास है और शायद यही दो गाड़ियाँ V12 है सही है बाकी जो है V8 है बट ये वाला मॉडल CL का वैसे भी मेरा ख्याल है बहुत यूनिक था बिकॉज मैं हमेशा सर मैं आपसे बात करता था कि W140 एस क्लास थी उसी के साथ CL थी इसी के साथ की SL जो 129 है ये मेरा ख्याल है सबसे क्लासिक शेप अगर देखे ना मर्सिडीज की तो ये अभी तक मॉडर्न क्लासिक्स में होगी क्लासिक में आने में शायद इसको 10 साल और लग जाए ठीक है और मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स बहुत कम चली गई अभी ये भी कब अंडर 40,000 किलोमीटर है सही है मतलब तकरीबन आपके पास 94 से अब हो गए 25-26 साल में मेरे पास तो रिसेंट आई है लेकिन यहाँ पे चली मुझे इसके साथ हो गए मेरा ख्याल है चौथा पाँचवा साल है सही सही अच्छा इन सारी जो आपकी अभी तक हमने कलेक्शन दिखाई इनमें से आपकी अगर एक फेवरेट देखनी तो कौन सी है सारी फेवरेट सबका जवाब ये होता है बच्चों की तरफ सारी गाड़ी सभी फेवरेट हैं तभी साथ हैं बट मोस्ट सबसे ज्यादा कौन सी चलाते हैं इनमें से वी कीप स्विचिंग सबसे ज्यादा में मतलब ये है कि अगर आपको लॉन्गर ड्राइव मोर रिलायबल चाहिए तो ऑब्वियसली यू गो फॉर द न्यूअर वर्जंस ठीक है जिसमें आइदर ये जाएगी या पोश जाएगी सही और बाकी जो पुराने वाले हैं वो उनको हमेशा शॉर्टर ड्राइव होती है ताकि कभी कोई रास्ते में मसला हो जाए तो कॉल करके दूसरी गाड़ी आ जाए और उसमें जाके बैठ के निकल जाए बिल्कुल पुरानी गाड़ी अच्छा मैं हमेशा बात करता हूँ लोगों के लिए भी बताता रहूँ कि अक्सर लोगों को बड़ी परेशानी होती है जिन लोगों को जीरो मीटर गाड़ी लेने का शौक है कि जी गाड़ी सड़क पर ख़राब ना हो फॉर मेरे लिए मुझे मुश्किल से याद पड़ता है कि मोटर वे पे या किसी लॉन्ग ट्रिप पे गया और मेरी गाड़ी खराब नहीं बट आई डोंट माइंड गाड़ी या खराब हो जाए आप दूसरी में चले जाए तो जब आपको इस तरह का शौक पालना है तो आपको आदत होती है सड़क के कोने पर सारा शौक के लेवल की बात है अगर आप स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ कहीं निकल के जा रहे हैं एंड यू नीड 100% सिक्योर्ड चाहिए उसके लिए मेरे पास रिवो है वो जो बेहतरीन तरीन गाड़ी है मेरे हिसाब से यहाँ जीरो मीटर गाड़ी ले उस लेंगे बट जनरली ये शौक की गाड़ी है ये अगर आपको कभी तंग कर भी जाए तो आप बर्दाश्त कर ले बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सो अच्छा यहाँ पे गाड़ियाँ तो हम देख रहे हैं इसके साथ साथ ही मुझे दो बड़ी ह्यूज बाइक्स बल्कि तीन नजर आ रही हैं तो ये कौन सी बाइक है हार्ले की यार हार्ले एक सीरियस पैशन का नाम है सही है जैसे कि आप अभी आप लोगों के साथ ड्राइव भी हम करके खासा मुतारिफ कर चुके हैं अभी हम वी हैव जस्ट डन अ ट्रिप कराची से वी ओरिजिनली डेस्टिन टू मुजफ्फराबाद थे लेकिन फिर वो कोविड की वजह से वी हैड टू कट इट ऑफ इन नथिया गली सही है हम तकरीबन 30-40 राइडर्स थे जो कराची से चले थे बड़ा मजेदार ट्रिप किया था जिसमें आप हमारे साथ एक दिन साथ भी थे This is Road King CVO 2013 का मॉडल है ठीक है और मेरी बड़ा इसको 110 बोलते हैं जितने भी CVO मॉडल्स होते हैं वो आते हैं 110 क्यूबिक इंचेस के इंजन के साथ और मतलब टिल 2018 जो भी मॉडल आते थे 18 के बाद इन्होंने इंजन और बड़े कर दिए सही है फिर 114 और 117 आ गया अब 114 एंड 117 ठीक है सो ये 110 है ये 110 और ये कितने सीसी होता है ये होता है तकरीबन 1800 cc और इसमें जितना है सामान ये बॉक्स और इसकी जो एग्जॉस्ट है बड़े डिफरेंट शेप की अगर दिखा सके हम बिकॉज ऑफ द CVO इसमें काफ़ी चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं बाकी फिर मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें चेंज भी की हुई हैं एग्जॉस्ट मैंने चेंज किया हुआ है थोड़े इसमें जो इसका स्टीरियो सिस्टम है वो अपलिफ्ट किया हुआ है बाकी स्टीयरिंग व्हील की जो पोजीशन ये भी जेन्युइन है क्या चेंज जो ए बार्स हैं वो मैंने डाले हुए हैं ठीक है ये बड़े मजेदार कंफर्टेबल होते हैं लोग समझते हैं कि इसमें बड़ा आदमी थक जाता होगा लेकिन एक दफा आपको इसका चस्का लग जाए इसके बाद आप दूसरी बाइक पे बैठने का मजा ही नहीं आएगा सही सो इसको आपने थ्रू एंड थ्रू यूज किया पाकिस्तान क्रॉस ये इसने मुजफ्फराबाद किया हुआ है इसने गवादर कई दफा किया हुआ है इसने कुंडवलीर तो करती रहती है इसने पूरा कराची टू मुजफ्फराबाद वन शॉट भी किया हुआ है इसने मतलब दो तीन दिन हम रुकते रुकाते 2018 में शी इज डन कराची टू मुजफ्फराबाद एंड देन बैक सो आपका पैशन मैं देख रहा हूँ जीप्स रैली से लेके एक एवरीडे कार से लेके स्पोर्ट्स कार से लेके बाइक तक तमाम मशीन्स पे आप थोड़ी थोड़ी ऑटोमोबाइल की सारी जगहों में थोड़ा थोड़ा हर जगह आपने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा शौक है लेकिन ये जो मजा है जो बाइकिंग का मजा है वो इज इनकम्पेरेबल बट बाइकिंग के मजे के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे यूएस के लिए बता दें कि बाइकिंग के साथ सेफ्टी कितनी जरूरी बिकॉज मैं कल ही किसी को देख रहा था कि हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है कि हैवी बाइक पे अगर हेलमेट पहन लिए तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम जा रहे हैं वो कितना जरूरी है हमारे यहाँ इतना जरूरी है कि अगर हमारे ग्रुप वाला कोई बगैर हेलमेट के कभी गलती से भी आ जाता है तो वो हमारे साथ राइड नहीं कर सकता शुड बी तो हम स्ट्रेट नो नो है 99% कोशिश ये है बल्कि कोशिश क्या है देखा भी जाएगा कि जितने भी हार्ले वाले हैं
they will always be in proper gear. That's what we हम इसकी तबलीग भी बहुत करते हैं सही है. और इसको फैलाते ही बहुत सबसे ज्यादा है. मतलब हमारा एक छोटा सा ग्रुप है हॉक पाकिस्तान के नाम से. तो वी ट्राई एंड प्रमोट इट एज मच एज पॉसिबल. अच्छा आगे दो और बाइक्स खड़े हैं हार्लेस के, उनकी क्या हिस्ट्री है वो भी बताएं आगे. ये इनमें से एक जो है ये वी रॉड है, ये मेरे छोटे भाई की है. सही है. और ये 2012 या 2011 का मॉडल है. ठीक है. और इससे आगे जो खड़ी है मेरा ख्याल है वो आपकी ऑल टाइम फेवरेट है. ये मेरी पहली हार्ली थी, 2010 में मैंने मंगाई थी. ठीक है. और ये कौन सा वेरिएंट है? इट्स कॉल्ड फैट बॉब. सही है. एंड जिस ये वो टाइम था जब कराची में होते थे 4 या 5 बाइकर्स. ठीक है. हार्ले वाले. सही है. बाइकर्स तो बहुत होंगे आई एम श्योर, बट हम गिनते उनको हैं जो हार्ले रखते हैं. आपके लिहाज से बाइकर इज इक्वल टू हार्ले. ठीक है. सो दिस आई फील कि दिस हैज एक्चुअली चेंज द हिस्ट्री और द गेम. और अब माशाल्लाह आई थिंक कोई 500-600 तो कम से कम है अक्रॉस पाकिस्तान. अच्छा कराची में कितने होंगे बिकॉज आप लोगों का बड़ा एक्टिव ग्रुप है. सब मिला के 800 होंगे पूरे पाकिस्तान में. एंड कराची वुड बी 500+. सही. और हमारा अपना ग्रुप जो होगा वो 100-150 के करीब है. ठीक है. अच्छा अब हम बाइक से दूसरे सेक्शन पे चलते हैं बिकॉज वहाँ पे भी मुझे और गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं. सो व्यूज हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं. काफ़ी लंबी वॉक है लेकिन चलते हैं. मेरा ख्याल इज वर्थ इट. वहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें. सो मेरा ख्याल है हम जिस सेक्शन पे भागे ये ज़रा मोर रिलायबल और मोर न्यूर वाली सेक्शन है. स्लाइटली यस. ये जो है ये 335 है. दिस इज 335 2007 एंड इज हार्ड टॉप कन्वर्टेबल. ये भी अभी रिसेंटली एक्वायर्ड है. और जिसकी एक्विजिशन का सबसे बड़ा जो रीजन था वो तो एक तो बीइंग कन्वर्टेबल. सही है. सेकंडली 335 मोटर. 335 जो है ये मेरे ख्याल इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अ ट्विन टर्बो. इट्स अ ट्विन टर्बो इंजन. बिकॉज़ मेरे पास M3 होती थी तो मैं इसके फिगर्स उससे कंपेयर करता था. ये जब आई थी तो मैं बड़ा खुश होता था कि मेरी गाड़ी से तेज है. बहुत मैं खुद एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी इसकी होगी राइड. सही है. इट्स क्वाइट फास्ट. और दूसरी इसकी मेरे ख्याल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हार्ड टॉप कन्वर्टेबल बहुत कम आती है. ये सबसे मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए आई थिंक दिस इज द मोस्ट सूटेड कार. सही है. बिकॉज ऑफ द हार्ड टॉप कन्वर्टेबल. बिल्कुल. बिकॉज सॉफ्ट टॉप के अंदर लोग चीजें मार के देखते हैं कि फटती तो नहीं है अंदर से कुछ जा रहा है. आपके खड़े कर कहीं उसको छोड़ते हुए भी आपके जहन में ये रहता है, ये तकलीफ रहती है कि यार कहीं कोई ब्लेड ही ना मार जाए, कोई ब्लास्ट ना मार जाए कोई. बिल्कुल सही. अच्छा आगे अगर हम आए तो आगे मर्सिडीज ई क्लास 2013 है. ये मेरी बेगम साहिबा की गाड़ी है. अच्छा. और हाई कमांड की गाड़ी है और इट्स अ 200. उनसे हमने पूछा नहीं है और फिर भी आप पहले हम इसको थोड़ा सा कवर करते हैं. उससे आगे चलते हैं. एस क्लास है W222. या दिस इज 2007. दिस इज 2006. इट्स 550 वेरिएंट. 550 सही है. इसको AMG किट लगाया हुआ है 6.3 का. और अच्छी बड़ी मजेदार गाड़ी ये भी. और ये आपके पास कितने अरसे से? इसको 3 साल हो गए मेरे पास. 3 साल. और सबसे आखिर में अगर आए तो ब्रिटिश ब्यूटी खड़ी है रोल्स रॉयस. हाँ ये अगेन वेरी प्राइस पोजेशन. अच्छा. और इसका मॉडल क्या है, वेरिएंट क्या है? दिस इज 1983 सिल्वर स्पिरिट. ठीक है. और 6.8 लीटर V8 इंजन. बड़ी मज़ेदार गाड़ी है. जस्ट टू लुक एट हर. अगर आप खाली इसको देखते हैं इसको देखना भी ट्रीट है. इसको देख के भी मज़ा आता है. बट एक जनरली मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगा कि रोल्स रॉयस में एक तो ब्रिटिश हेरिटेज है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जनरली इसके अंदर बैठ के लग्जरी का वाकई आपको एक डिफरेंस लेवल फील होता है कि ऐसे एक ऑटो फीलर है. देखिए आप इस तरह की ब्रांड के साथ किसी से भी आप एस क्लास मर्सिडीज में बैठते हैं तो एक आपके हेड चेंज हो जाता है. सिमिलरली अगर आप लेक्सस 570 में बैठते हैं विज़ लैंड क्रूजर V8 आपको जंप फील होता है. मेंटल डिफरेंस भी फील होता है. एंड ऑब्वियसली थोड़ा एनवायरनमेंट अंदर से सबके केबिन डिफरेंट है. ठीक है. जब मोर प्लशर द बेटर विद द राइट काइंड ऑफ वो जो इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो भी एक अलग लेवल का होता है. सही है. So that's why probably they feel different. मेरे ख्याल इसकी वैसे भी attention to detail और एक इसके अंदर जो एक contemporary look है, मतलब इसके अंदर अभी आप देखें wood का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. इसकी जो switches हैं उनको बैठ के आपको एक जिसे कहते हैं ना जैसे British Royal एक feeling आती है. Rolls-Royce के साथ Rolls-Royce को आज तक they are all handmade cars. सही है. Everything is done with hands. Everything. सारी assembly मशीनों पे नहीं होती आज तक. ठीक है. Which is a big deal. और ये आपके पास कितने साल से? ये इसको हो गए 7 साल. अच्छा इन गाड़ियों में सब में रिलायबिलिटी वाइज मैं सवाल पूछना चाहूँगा यूजर्स के लिए. विच कार डू यू थिंक आर मोर रिलायबल, जैपनीज, ब्रिटिश? रिलायबिलिटी वो सबकी हाउ डू यू कीप देम एक तो बहुत डिफरेंट उस पर बहुत माने रखता है. सही है. ऑब्वियसली जैपनीज आर मच मोर रिलायबल कार्स ओवरऑल. सही है. ठीक है. लेकिन आप न्यूअर जर्मन में चले जाओगे तो आप जितने नई गाड़ी होगी उतनी बेहतर है. पुरानी गाड़ियों में उनके नाज नखरे उठाने पड़ते हैं. सही है. ठीक है. उनके नाज नखरे उठाने के लिए बड़ा जज्बा
बहुत पेशेंस चाहिए, सही है, वो हर किसी में नहीं होता। और थोड़ा सा हमें अब हमें ज्यादा हो गया है इस वजह से कि हमें पता है कि यार ये विद एज मेरा ख्याल है वो सब्र आ भी जाता है इंसान वो वही वाली वो अच्छा, ये वही वाला। सो अब हम चलते हैं आपकी 4x4 की तरफ। ये सामने जो घड़ी है मशीन, ये आपकी रैली व्हीकल है, रैकी के लिए यूज करते हैं या एवरीडे यूज में आप इसको इस्तेमाल करें? ये सब कुछ करती है। बींग Toyota, the reliability factor of a Hilux is they are known to be the most reliable trucks in the world. ठीक है। तो ये सुबह दफ्तर भी जाती है, ये शाम को मेरे साथ अगर मैं कहीं खेलने जा रहा हूँ तो वहाँ जाती है, सही है। ये जब रैली का टाइम आता है तो ये रैली में साथ सपोर्ट जाती है। 360 यूजर्स। ये आई थिंक 360 से भी ज्यादा ही है, सही है। ये 720 पे चला जाएगा। ठीक है। और ये रेवो का जो लेटेस्ट वेरिएंट है 1GD 2.8 वो है? ये वो वाला मॉडल ईयर 2018 सही है। सो अभी जब इसको रैली पे जाते हैं तो रैकी के लिए भी यूज करते हैं, बिकॉज़ मैं देख रहा हूं स्नॉर्कल वगैरह लगा है तो ऑफ रोडिंग के लिए यूज। मैंने बताया कि मल्टीपर्पज हर तरफ चलती है, तो ये एज अ सपोर्ट कार के अलावा ये रैकी भी करती है, सही है। ये साथ रहती है सरफरंगा पे भी, मुझे याद है ये पीछे पीछे साथ जरूर रहती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो इमरजेंसी में ये आके उसको बचाती है। ठीक है। इसमें मैंने टकोमा वो इसमें सॉरी शॉक्स डाले हुए हैं किंग्स के शॉक्स, सिंगल शॉक डाले हुए हैं, तो रैकी के लिए भी चल सकती है, ऑफ रोडिंग पे भी इजीली चल रही है। और मोस्ट लाइकली इस दफा माहम शायद इस पे रेस भी करेगी, ये थल में जो रेस करेगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी मेन रैली कार है दो, एक बार खाली टकोमा 2.7 सुपरचार्ज, वो टकोमा 2.7 वो आपको लेके जाता है सी प्रिपेयर्ड कैटेगरी, वो सी प्रो। और उसके अलावा दूसरी एक और गाड़ी आप तैयार कर रहे हैं, वो अभी वो सरप्राइज है कि उसके बारे में बताना पसंद है। मेरा ख्याल है अभी उसको थोड़ा रहने। अच्छा, चलिए टकोमा के बारे में बता दो। जो आपका टकोमा है वो स्टॉक तो नहीं है क्योंकि प्रिपेयर्ड कैटेगरी में सुपरचार्ज है, उसके अंदर सस्पेंशन वगैरह आपने उसमें भी किंग्स लगाई, उसमें ट्रिपल बाईपास के साथ टोटल के उसका सेटअप लगा हुआ है। ठीक है। मतलब पूरी वो तो फुल रैली प्रिपेयर्ड है कंप्लीटली। ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला वो आपके हम उसको भी दिखाते रहेंगे कि लोगों के आपके उस जीप में क्या क्या लगा हुआ है रैली की उसमें। और विल विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर आपकी, क्योंकि आप रैली भी खेलते हैं, बाइक्स का भी गाइस ने बताया है, स्पोर्ट्स का भी करते हैं, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट्स सीन में भी और जनरली पाकिस्तान के अंदर इस अगर हम लेके आए गाड़ियों की बात करें उसमें अपलिफ्ट में आप लोगों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि हम लोगों को साथ साथ जब मजीद भी आपकी रैली की अपडेट्स हैं वो भी दिखाते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सो व्यूअर, ये था आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Only on Bombfuse.